हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस सीरीज, यहाँ पे हम सारे सेंटेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं एनवेलप ऑफ डिस्कर्स। तो एनवेलप में सबसे पहले मेथड होता है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दूँ। तो जब हम इस पर रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे गिवन है अल्फा पैरामीटर है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये एक्स सेक्स स्क्वायर अल्फा, इसे ऊपर ले लो ऐसे सेक्स स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, 2u² ये भी कांस्टेंट है। सेक्स स्क्वायर अल्फा का क्या होता है, 2 sec(α) डॉट sec(α tan(α), sec 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 स्क्वायर अल्फा दोनों कॉमन मान लो और मल्टीप्लाई भेज दो। तो ये हो जाएगा 0 = एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² मल्टीप्लाई बाय 2 tan(α). 2 2 कट गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर tan(α). एक्स एक्स कट गया यानी कि यू स्क्वायर बाय जी एक्स इज इक्वल्स टू tan(α). अब tan(α) मिल गया है तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा जो होता है वो 1 + tan² अल्फा होता है, यानी कि 1 + u^4 बाय g² x². अब हमें सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, tan(α) की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स डॉट यू स्क्वायर अपॉन जी एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² 1 + u^4 अपॉन g² x² अब एक्स एक्स ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² मल्टीप्लाई बाई 2u² अपॉन g² x² x² कट गया, यू स्क्वायर वाई कट गया, जी वाई जी कट गया, तो ये हमारी बन जाएगी y इज इक्वल्स टू u² बाई जी माइनस माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस हाफ यू स्क्वायर बाय जी, ये दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g माइनस हाफ ऑफ जी x² बाई यू स्क्वायर, यानी कि y प्लस हाफ जी x² बाई यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g, और दिस इज एनवेलप रिक्वायर्ड आंसर।